आप देख सकते हो ये गुरु रविदास जन्म स्थान है श्री गोवर्धनपुर में। हम चल रहे हैं जरा अंदर। खुले चलते हैं। आप देख सकते हो सब की कृपा बनी रहे श्री रविदास जी की। गंगा सबसे बड़ी उपलब्धि जो फेमस है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप दर्शन करें, चलिए चलते हैं। दान पात्र है। ये बोलने बोल करके कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं कि संदेश सभी संतों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए एक जो नई प्रेरणा दी है उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। आजादी के अमृत कालखंड में संत रविदास जी के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं। सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर मतलब
बताते हैं, सॉरी इमली का पेड़ है, जहाँ पे बताते हैं कि रविदास जी बैठ कर सत्संग किया करते थे। आपको दिखा रहा हूँ जो ठीक उनके जन्मस्थली बगल में है, और ये साहित्य केंद्र है जहाँ पे इससे जुड़ी हुई किताबें मिलती हैं। आपको चलिए दिखाते हैं लंगर के अंदर क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर, नमस्कार भैया, नमस्ते, ये लोग व्यवस्था में लगे रहते हैं, ठीक है, और लंगर की व्यवस्था रहती है यहाँ पर, और देख सकते हो सब्जियाँ, ठीक है, चावल, और एक मन से नमस्ते, कुछ कहना चाहोगे? अच्छा अच्छा, मैं बात कराता हूँ, लेके चलता हूँ, अभी ये लंगर चल रहा है। नमस्कार, कैसी हैं आप? अच्छा, आप पहली बार आई हैं कि? पहली बार आई हैं। कहाँ से? पंजाब से। अच्छा, कैसा है यहाँ का व्यवस्था, क्योंकि कोरोना काल के बाद तो काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही हैं ना? अच्छा, कैसे? चलिए मैं दिखाऊं। नमस्कार, बहुत मेहनत कर रही हैं आप देख सकते हो सभी लोग प्रसाद के रूप में प्रभु का प्रसाद मानते हुए आते हैं। छोटू नमस्कार, कहाँ से आए हो? हैं? रामनगर से। रामनगर से, क्या बात है, और कहाँ आए हो? रविदास मंदिर आए हैं। रविदास मंदिर, बहुत बढ़िया। ये इसके बगल में एक यूनिवर्सिटी भी है ना, कौन सी पता है, क्या नाम है? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कैसा है प्रसादा, कैसा है? अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? तरंजोस। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देख सकते हो इन लोगों की ही मेहनत है, जो मैं दिखाऊं जरा सा दूसरा पक्ष। एक पूजा होती है और यहाँ पे इतना मेहनत देखिए आप, कितने मेहनत के साथ, यही है जहाँ पे भंडारा भोजन बनता है। आप कुछ कहोगे भैया? नमस्कार, मैं यहीं से हूँ। हाँ, रामनगर से आया हूँ। हाँ, रामनगर से। इस बार क्या नया है, दो मिनट हमें बताइए ना, क्योंकि पिछली बार कोरोना के बाद थोड़ी सी भीड़ कम थी, इस बार अब कोरोना को तो लोगों ने भुला दिया है। ये तो महाराज रविदास जी की ऐसी कृपा है, वही कृपा है कि यहाँ कभी भीड़ कम नहीं होती है। हाँ। हमेशा इस बार को श्रद्धालु बहुत ही संख्या में, बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा आए हैं, और बहुत दूर से लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मंजीत सिंह है। चलिए भैया, धन्यवाद। माजी पब्लिक सेक्रेटरी श्री गुरुदास अनुसंधान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी यूपी, और मेरे साथ में हैं श्री गुरुदास अनुसंधान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सतपाल वीरदी जी। सबसे पहले तो हम आपके मीडियम से जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जो 646वीं जयंती है, इस जयंती की सब संगत को, देश विदेश की सब संगत को, जहाँ से हजूर हमारे सतगुरु स्वामी रंजन दास जी जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से सब संगत को लाख लाख बधाई देते हैं। और आज इस अवसर पे यूपी सरकार के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, वो भी जो जहां इस जयंती समारोह में शामिल हुए हैं, और गुरु जी का सभी संगत को उन्होंने संदेश दिया है, जो श्री गुरुदास महाराज ने संदेश दिया था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न, ये उन्होंने संदेश दिया। उसके साथ में वो
भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेके भी आए थे, वो भी उन्होंने पढ़ के सुनाया। और बाकी और जो आज का जो प्रशासन था, प्रशासन ने भी बहुत बढ़िया रोल अदा किया। क्या योगी जी का संदेश था और पीएम मोदी जी का क्या संदेश था, उसका सार क्या था? और सार तो सिर्फ यही था कि वो जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को जो उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश को फॉलो करते हैं। और वो ये लगा था जो श्री रविदास महाराज जी ने बोला था, बेगमपुरा शहर का नौ दुख अंदो नहीं थोठा, ना तस्वीस खरास ना माल खौफ ना खता ना तरस जमा। भाई जहाँ ये ऐसा शहर होना चाहिए जहाँ किसी को गम ना हो, सभी को काम हो, सभी को घर मिले, सभी को मकान मिले, सबको शिक्षा मिली, उनका आदेश यही था। जहाँ से उनको आदेश देने का मतलब सिर्फ यही था। सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं रविदास जयंती की। कैसा है सर, कुछ बताएं, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें व्यवस्थित होती होंगी, इतना लंबा प्रोग्राम। प्रोग्राम आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है। महाराज जी हमारे आए हुए हैं आज पंडाल में, सत्संग प्रवचन हो रहे हैं। इस बार कितने लोग? इस बार तो मैं चार पांच लोग आए, चार पांच लोग आए। अच्छा, तो रहने की खाने भी पीने की सब व्यवस्था की हुई, क्योंकि पिछली बार कोरोना काल के बाद जो है पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ है, अच्छा हुआ है। लेकिन कोरोना के डर से लोग कम आए थे, इस बार फिर कोरोना को भगा दिया लोगों ने। आप कोई संदेश देना चाहोगे आम जनता को? आम जनता को यही है, आप दिल पत्र पे बैठो, एक दूसरे का साथ हो। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ सर? रणवीर सिंह। चलिए, धन्यवाद सर।